नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों की और संग ही हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनावों की। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने महीने के पहले दिन में ही रसोई गैसों के दामों में बढ़ोतरी की है। बिना सब्सिडी वाले गैसों का दाम 25 रुपए बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों में 75 रुपए का इजाफा देखा गया है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम 884 रुपए हो गया है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ है और दिल्ली में इसकी कीमत 1693 रुपए हो गई है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली और 15 तारीख को रसोई गैस के दाम की समीक्षा करती हैं। इसके पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़त की थी। बढ़ती महंगाई के चलते सरकार पर भी पड़ रहा है दबाव। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के बढ़ने से सरकार को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार कह रही है कि ये अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सरकार का ये भी कहना है कि हमने कई बार कोशिश की थी एलपीजी गैस सिलेंडरों में से सब्सिडी को खत्म करने की। ये तो बात रही बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर महंगाई की। अब बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव की। आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार अपने पैर पसारने वाली है, तो इस बार देखना रोमांचक होगा कि आखिरकार यूपी की जनता कितना भरोसा कर पाती है आप पार्टी पर। क्या दिल्ली सरकार की तरह आप पार्टी यूपी में भी अपना गठन कर पाएगी, एक नया सरकार बना पाएगी? तो ऐसे में ये देखना बेहद ही रोमांचक होगा कि आम आदमी पार्टी यूपी में किन किन मुद्दों के चलते अपनी नींव रखेगी। क्या महंगाई जैसा मुद्दा भाजपा सरकार के लिए यूपी में उनके पार्टी के आड़े आएगा या नहीं। हमने बात कर ली पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों की, आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की। अब हम बात करेंगे संपूर्ण देश में छाई हुई महंगाई की। किस तरह से जनता परेशान है। जनसंख्या बड़ी है, लेकिन जनसंख्या में कुछ लोगों का कहना है कि गरीबी और महंगाई तो हमें कहीं दिखी नहीं रही है, लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हर जगह महंगाई का काला बादल छाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं हमें दिहाड़ी मजदूर नहीं नजर आते, कुछ लोग कहते हैं हमें बेरोजगार नहीं दिखते, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हर जगह नौकरियां मिलती ही जा रही हैं और बहुत आसानी से सारी सुविधाएं हम तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या महंगाई जैसा मुद्दा वर्तमान में हमारे सामने आ खड़ा है या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें।